तो बेसिकली ये एक कन्फर्मर कोटिंग के लिए मशीन है जो कि ऑटोमेटिक चलती है। इसके 6 पार्ट हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे पहला पार्ट जिसको कि हम कहेंगे ऑटोमेटिक फिटिंग टेबल। यहाँ से हम पीसीबी को फिट करवाते हैं। तो इसका पर्पज़ सिर्फ ये है कि ये अगले प्रोसेस में इसको भेजेगा, फिटिंग करवाएगा। इसके बाद स्टार्ट होती है हमारी इंफ्रा रेड क्यूरिंग फर्नेस। इस फर्नेस का मेन काम ये है कि ये आपका मॉइस्चर ऑब्जर्व करता है पीसीबी से, ताकि हमारी कोटिंग जो है वो प्रॉपरली उस पर आए। ओके सर, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, ये हमारा तीसरा पार्ट है जिसको हम सिलेक्टिव कोटिंग मशीन कहते हैं। यहाँ पे हमारे पीसीबी पे सिलेक्टेड एरिया पे कोटिंग होती है। तो अभी हमारा पीसीबी आ रहा है, उसका एक टाइम, और ये हमारा इसका इंटरफेस है जहाँ पे हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। अलग जो भी जैसा भी अपना पीसीबी रिक्वायर्ड होता है उस हिसाब से इसकी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। जिस एरिया पे कोटिंग करनी है, हमें ड्रॉप करवाना है, वो यहाँ इसके थ्रू ही हम प्रोग्रामिंग कर देते हैं। हमारा पार्ट आ गया, आप देख सकते हैं कि हमारा ये पीसीबी आ गया है। अब इसके सिलेक्टेड एरिया पे ये नोजल ड्रॉप करेगी कोटिंग। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली इसको अगले फेज में भेज देगी। ये हमारी फोर्थ मशीन है जिसको हम कहते हैं सीलिंग टेस्ट बेंच। ये इंफ्रारेड टेस्ट बेंच है एक तरह की, जो कि इसकी टेस्टिंग हम करते हैं विजुअली कि हमारे सिलेक्टेड एरिया पे कोटिंग गिरी है, प्रॉपरली गिरी है या नहीं। उसके बाद ये अपनी नेक्स्ट स्टेप पे चले जाता है। इसके बाद हमारा आता है इंफ्रारेड क्यूरिंग फर्नेस, ये सेकेंड फर्नेस है। यहाँ पर हम जो वेट कोटिंग गिरी है उसको ड्राई करने के लिए इस फर्नेस का यूज़ किया था। 110 डिग्री टेम्परेचर पे इसको 2.5 मिनट तक इस कन्वेयर से गुजारा जाता है। उसके बाद हम एक अगले स्टेप पे चले जाते हैं। ये है हमारा यूवी डिटेक्टर टेबल, जहाँ पे हम फाइनल इसको डिटेक्ट करते हैं, देखते हैं विजुअली कि हमारी जो कोटिंग है वो प्रॉपर हुई। पीसीबी के कनेक्टर पे तो नहीं आई है, सिलेक्टेड एरिया पे ही ड्रॉप किया है। ये सब चीज़ें हम यहाँ पे विजुअली देखते हैं। तो इससे कम से कम 2.5 मिनट का प्रोसेस है, आपके 2.5 मिनट का प्रोसेस आ जाता है। आपको जो पीसीबी यहाँ पे आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, और यूवी रेज में ट्रांसपेरेंट जो कोटिंग हुई है वो दिखेगी आपको। इसके बाद ये अपने बिन में चली जाएगी। और यहाँ पे प्रिकॉशंस भी बहुत ज़रूरी है सेफ्टी पर्पज़ के लिए, हमारी पीसीबी की सेफ्टी के लिए और जो ऑपरेटर है उसकी सेफ्टी के लिए। जैसे हमारे ग्लव्स हो गए, ESD अपने रिस्ट बैंड हो गए, हमारा एप्रन हो गया, ये भी बहुत ज़रूरी है।